गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग विजन में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज दीपावली है तो सभी को सबसे पहले हैप्पी दीपावली। सो मैं आज के इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ अपना स्कोर कार्ड लास्ट ईयर IBPS PO प्री का। तो यहाँ पे मेरा नाम हो गया। और उससे पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कटअप देख लेते हैं। तो इंग्लिश में OBC की कटअप गई थी 7.75 और जनरल की 9.5 नंबर के आसपास थी। और क्वांट में ओनली 6 मार्क्स और रीजनिंग में 4.25 कटअप गई थी। ओवरऑल की बात करें तो OBC का कटअप 58.50 और जनरल का कटअप एक दो नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं अपने स्कोर कार्ड दिखाता हूँ अपना। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। इंग्लिश में मुझे मिले थे मात्र 9.50, क्वांट में मुझे मिले थे 23 और रीजनिंग में 34 आउट ऑफ 35। टोटल जो मेरा स्कोर था वो 66.50 और कटअप गई थी 58.50। अब कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो में 2021 IBPS PO प्री के प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनका कमेंट्स आता है और बताते हैं कि भाई मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम मतलब कैसा जाएगा। अगर मॉक में आपका मार्क्स सही नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में जाके नहीं आएगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोग को, लास्ट ईयर ये जो मेरा स्कोर कार्ड है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतना अच्छा स्कोर कार्ड आ जाएगा। मानता हूँ कि इंग्लिश में मेरे कम है लेकिन रीजनिंग में मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि 34 आ जाएंगे। तो मैं लास्ट ईयर के से और इस साल जितने भी मैंने प्री और मेंस दिए हैं उसके बेसिस पे मैं आप लोग से इस बारे में बात करूँगा कि क्या मिस्टेक्स होती है छोटी छोटी जो कि आपको नहीं कर रहा है और मैंने किया था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं। और पहली बात तो मैं ये बोल देता हूँ कि अगर आपके मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका मॉक में तो स्कोर बहुत अच्छा आता है, एग्ज़ाम में जाके वहाँ पे सब कुछ बेकार हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आपका दिन उस दिन कैसा है, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मॉक देते रहिए आप कंटिन्यू बेसिस पे, क्योंकि वहाँ मॉक में आप क्या करते हैं, मॉक में आप मॉक देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के लिए ना मॉक देते हैं। तो जितना ज़्यादा मॉक हो दीजिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले बात करता हूँ रीजनिंग की। तो अभी से आपको क्या करना है, तो भाई रीजनिंग में क्या है कि जैसे कि आपको सिलेबस पता है कि इनक्विटी आता है, सिलॉक्स आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज आता, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, रीजनिंग में सिलॉक्स आता है, इनक्विटीज आता है, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पजल्स आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि अभी से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप मॉक बनाते हैं तो उसमें तो सारे चीज़ का प्रैक्टिस हो ही जाता है, लेकिन अलग से मैं बोल रहा हूँ कि आपको किसका प्रैक्टिस करना है, आपको सिलॉक्स का प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करना है। क्योंकि आप मान लीजिए कि कटअप तो ऐसे भी क्लर्क की बहुत ही ज़्यादा PO है तो इसमें ज़्यादा ही तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि सिलॉक्स है तो इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक्स है। और स्पेशली जो अभी नए पैटर्न के पूछ रहे हैं, ओनली फ्यू वाले और नॉट पॉसिबिलिटी वाले, ये सब क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। मान लीजिए एग्ज़ाम में आप 35 में 35 बना दिए, ठीक है, 5 सिलॉक्स में से 3 आपका गलत हो गया, यानी 35 तो आप बना दिए जिसमें से 3 गलत हो गया, यानी 32 और 3 इतना, तो आपका कितना मार्क्स बन जाएगा, यहाँ पे आपका 1.50 ख़त्म हो गया तो आपका हो गया 30.50। और ऐसा तो नहीं है कि 300 लॉक्स गलत गया तो आपका सारा का सही होगा, एक आपको नंबर सीरीज सॉरी अल्फा न्यूमेरिक गलत हो जाएगा या पजल में एक दो क्वेश्चन गलत होगा, उसी कारण से आपका मार्क्स क्या होता है वो 30 से नीचे आ जाता है। तो मैं बस यही करना चाह रहा हूँ आपसे और कुछ नहीं, कि आप रेगुलर बेसिस से अभी जितना भी समय है IBPS PO प्री में आप क्या कीजिए कि रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए सिलॉक्स का। मैं बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए पजल्स का। आप मॉक तो लगाते ही हो और ऐसे भी 2-3 मॉक लगाएगा तो उसमें तो एक मॉक में 3-4 पजल होता है तो प्रैक्टिस तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन स्पेशली मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम में बिल्कुल शांत माइंड से बनाइए भाई, हड़बड़ाहट में मत बनाइए। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं हर बार 35 अटेम्प्ट कर देता हूँ रीजनिंग में, लेकिन जब स्कोर कार्ड आता है तो 30 से भी नीचे आता है कभी कभी, बहुत ही ज़्यादा
मतलब डिमोटिवेट हो जाता है, वहाँ पे निराश हो जाता है मन। उसके बाद चलिए क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में क्या है कि क्वांट में सिलेबस क्या है, क्वांट का सिलेबस है कि आपको नंबर सीरीज पूछेगा, DI पूछना ही है, मिसलिनियस पूछना ही है, सिंप्लीफिकेशन पूछना ही है। तो आपको क्या करना है कि इसमें कंफ्यूजिंग मुझे ज़्यादा लगता है और जो प्रॉब्लम सबको क्रिएट करता है वो नंबर सीरीज है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सीरीज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग दोनों पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कहाँ से कर सकते हैं, आशीष अरोड़ा सर है और पैटर्न बताया है नंबर सीरीज़ का, आप वहाँ से कर लीजिएगा। और जब तक आपका एग्ज़ाम है, जब तक डेट मतलब तो डेट तो पता है कि PO का ब्रेक कब होगा, तो उस समय तक डेली बेसिस पे आपको जो है वो ये सब करना है आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में। बाकी तो स्क्वायर उस्क्वायर तो आपको ऐसे भी याद ही होगा। और मॉक लगाते रहिए, सब चीज़ का रामबाण उपाय है कि मॉक लगाते रहिए, सेक्शनल लगाइए, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 मॉक तो जरूर लगेगी, मैं सच बता रहा हूँ। और अलग अलग कंपनी के लगे, जैसे कि प्रैक्टिस मॉक का, ग्रेड अप का और टेस्ट बुक का। मुझे ग्रेड अप का बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस मॉक भी ठीक है। तो 2-3 तरीके का मॉक लगाइए और जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश के बाद बता रहा हूँ कि इंग्लिश में मुझे उतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन इस साल उम्मीद है कि पिछले साल से तो बेहतर करूँगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ मैंने पिछले साल की थी, इस बार नहीं करूँगा। मैथ में भी आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ में बहुत कम गलती होने की संभावना होती है। तो बनाइए इसको अच्छे से, बन जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ के तुरंत भागिए, उसमें अगर लटके रहिएगा तो भी बेकार हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या पैटर्न आता है भाई, इंग्लिश में आता है आपका पैसेज आता है, आपका इरर आता है, उसके बाद वर्ड जो स्वैप करने का होता है वो सब आता है। तो ये सब आता है, तो सबसे पहले क्या करना है कि मॉक दीजिए आप, उस पर क्या कीजिए कि सबसे पहले जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है पैसेज छोड़ के, जो भी क्वेश्चन होता है उसको बनाने का कोशिश कीजिए, लास्ट में पैसेज को बनाइए। और इंग्लिश के बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, बस यही कहूँगा कि मॉक ही है सहारा, उसको प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा ग्रामर भी अपना कंप्लीट कर लीजिए अगर पॉसिबल है एग्ज़ाम से पहले। तो ग्रामर के लिए सजेस्ट करूँगा निमिषे बंसल हैं, BYT चैनल करके है, वहाँ पे आप इंग्लिश का कर सकते हैं। तो यही है पैसेज बनाने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, मैंने भी ऐसा सुना है कि जो भी कीवर्ड होता है उसको आप नोट डाउन करके पैसेज को स्कीम करके आप बना सकते हैं पैसेज को। तो यही सब था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्ज़ामिनेशन में। आई थिंक 1 महीने से सारे एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल खुश रहिए, कोई भी टेंशन नहीं, और तैयारी करते रहिए, मन से खुश रहिए। थैंक यू।